यकीन नहीं है, ये दो रूममेट्स का एक सामान्य दिन है। प्यारा, अपने रूममेट से पहली बार मिलना, लेकिन मीटिंग सही नहीं चल रही, कोई अकेला होने वाला है। वाह, ये लड़कियाँ जिद्दी है, किसी भी एक को पीछे हटना है। हे, सलाह क्यों ना कर ले, तुम्हें फिर भी साथ में रहना है, लेकिन मुझे लगता है वो गुस्से वाले लुक्स देना बंद नहीं करेंगे। डॉम में ज्यादा जगह नहीं है, आपको पास पास होना पड़ेगा, ये खिंचाने वाला है, खास तौर पर जब आपके पास कला के लिए खास समय हो, और अगर आपको थोड़ा शांति और सुकून चाहिए, लेकिन आपके रूममेट को अभी ही तैयार होना है। वो मेकअप लगा रही है और अपनी बाल बना रही है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा और उसे सिखाना होगा कि अपना मेकअप फैला हुआ ना छोड़े। गुलाबी लिपस्टिक को उसी रंग के एक्रेलिक पेंट से ढकें। बढ़िया मेल, लिपस्टिक को बंद करें और ट्यूब को वापस रख दे। ये रही रूममेट, बस अपना मेकअप खत्म कर रही है, लिपस्टिक आखिरी टच है। आह, बुरा भाग्य, ये सूख गई। और नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? बिना लिपस्टिक लगाए जाना एक बुरा आइडिया है, क्या होगा अगर मैं इसे तोड़ दूं? ये हो गया, हो, मेरी पसंदीदा लिपस्टिक, मुझे पता है इसके लिए कौन भरने वाला है। वो क्या कर रही है? डॉम के सुपरवाइजर से बात कर रही है, शानदार। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? स्लाइम का एक बड़ा स्टॉक, इमरजेंसी के लिए। बस शांत हो जाओ ताकि कोई जुर्म जल्दी ना पकड़ पाए। वूप्स, फूल को वापस रखो और चलो शुरू हो जाओ। स्लाइम को डोर नॉब पर लगाए, कितना चुपचिपा घिनौना टेक्सचर है। शर्माओ मत, अब जितना चाहे उतना लगा लो, ये सब तुम्हारी पसंदीदा रूममेट के लिए है। अब इस जगह को छोड़ दो, वो ध्यान ही नहीं देगी कि वो चिपचिपी स्थिति में है। ये इतना स्लाइमी क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने अपनी नाक सीधा मेरे हाथ पर छिड़क दी। और वो मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रही है? वो साफ तौर पर फिसलन वाली नाकामयाबी का मजा ले रही है। मुझे लगता है मैं तौलिए की जगह टी शर्ट इस्तेमाल करूंगी। क्या तुम्हें लगा था कि तुम इससे बच पाओगे? ये सदी का प्रैंक होने वाला है, आपको बस कुर्सी और थोड़ा रैपिंग कागज चाहिए। ऐसे टुकड़े काटें जो कि सीट और बैकरेस्ट के नाप से मेल खाएं। कुर्सी को उल्टा करें, टांगों की लंबाई के अनुसार ट्यूब्स को रोल करें और एक कुर्सी को समेटें। टांगों को सीट पर चिपकाएं और फिर पीठ पर टेप लगा दें। ये बहुत बढ़िया बन गई, कागज की कुर्सी असली लग रही है और आप अभी के लिए इसे दूर रख सकते हैं। एक बो लगाए, अपनी रूममेट को ऐसा सोचने दे जैसे ये सुलह करने की पहल है। ओह, मेरा नया तक, उसने आखिरकार जान लिया यहाँ असली रानी कौन है। वो फंस गए, वो फंस गए। उफ, ये दुखा, तो मिस डॉम DIY कहाँ है? वो बड़ी परेशानी में है। डोनट्स का डब्बा टेबल पर छोड़ दिया, अच्छा आइडिया नहीं है, अपनी रूममेट की मिठाई बिना पूछे खा लेना एक नोबल कॉज है। ये स्वादिष्ट है। ठीक है, डब्बा खाली है, अब क्या? आपको एक हेयर डोनट और थोड़ा पेंट चाहिए। फोम डोनट को एक्रेलिक पेंट से ढकें, इस पर मोटी परत लगाएं ताकि ये छोटे छेद छिपा जाए। दूसरी तरफ गुलाबी ग्लेज लगाएं, इसे स्वादिष्ट डोनट की तरह दिखाने के लिए स्प्रिंकल से सजाएं। ये उतना ही खूबसूरत है जितने तुमने अभी खाए, लेकिन ये इतने स्वादिष्ट नहीं। नकली डोनट को डब्बे में रखें और बर्तन धोते रहें, नाटक करते हुए। हे, क्या चल रहा है? क्या तुमने मेरे डोनट्स खा लिए? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं डाइट पर हूँ। तुम वो हो जो सब खा लेती हो। ठीक है, खैर कम से कम मुझे एक मिला, लेकिन ये असली नहीं है। तुम मुझे ऐसे कैसे प्रैंक कर सकती हो? मेरे पास शब्द नहीं है। एक ही रहने की जगह को साफ करना हमेशा बड़ी बात होती है, कुछ लोग करते हैं और बाकी आलसी होते हैं और ये भी सलाह देते हैं कि सफाई कैसे ढंग से की जाए। ये बहुत अजीब है, आपको उसके लिए जाल बिछाना होगा। कूड़े की कैन को आधा पानी से भरे, ऊपर कूड़ा रखें। अब आपको बस अपने रूममेट को कूड़ा फेंकने के लिए बोलना है।
लेकिन कहीं और क्यों जाना जब आप खुद घोड़े से पंगा ले सकते हैं तो। उप्स, घोड़े के कान में पानी कहाँ से आया? ठीक है, अब मेरी टांगे गीली है। तुमने क्या उम्मीद की थी? ये तुम्हारे आलस का भुगतान है। जब आपकी रूममेट आपको पागल कर रही हो, आपको कठोर होना पड़ता है। सबसे जरूरी चीज है सही समय का इंतजार करना और एक रसीला टमाटर बचा लो। इसे कंबल के नीचे रखो, खुद को रोको मत। जितने ज्यादा टमाटर उतना बेहतर। सोफे पर टमाटर रखें, उसे राजकुमारी जैसा महसूस करवाएं। ये सब्जियों की दावत को छुपाएं और अपने रूममेट के वापस आने का इंतजार करें। क्या वो कभी आराम करते हैं? वो प्रैंक वॉर के बारे में भूल जाती है और काउच पर लेट जाती है। ओह, एक अच्छी लैंडिंग नहीं है, ये थोड़ी गीली है। और सबसे बुरी बात है, उसकी रूममेट ने सब फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। मेरी पसंदीदा पजामा पैंट, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है ये जंग है। कुचले टमाटर बहुत घिनौने लगते हैं। खैर, बेहतर होगा तुम ध्यान रखो रूमी। अगर तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें फंसाना नहीं आता तो तुम गलत हो। अपनी रूममेट की कार का इस्तेमाल इस प्रैंक के लिए करें। एक दुष्ट क्लाउन की तस्वीर छापे और उसे रियरव्यू कैमरा के ऊपर लगा दे। तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो स्वीटी। ये वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो स्क्रीन चालू करती है और फिर मुझे क्लाउन्स बिल्कुल पसंद नहीं, डरावना लग रहा है। ठीक है, डरना बंद करो, कॉमन सेंस जीत गए। ठीक है, मुझे पता था ये बिल्कुल मेरी रूममेट की तरह है और अब वो असल मुश्किल में है। अब यहाँ पर बड़ी लड़ाई होने वाली है। खैर, ये ठीक है, वो खुद ही चलाना बंद कर देगी। हमें पता है, हमने ये झेला है। मुझे उम्मीद है मैं कम से कम शावर में आराम ले पाऊंगी और थोड़ी देर हमारी डोम वॉर भूल सकूंगी। गलत सोच रही हो, आपका दुश्मन कभी सो नहीं रहा होता और उसके पास एक और छिपा हुआ प्लान एक्शन के लिए तैयार है। आह, प्यारा बदला। ओ नहीं, वो बाथरूम और सारे तौलिया अपने साथ ले गए। जब वो नहा लेती है तो रूममेट बाहर आती है। रुको, मेरा सामान कहाँ है? वो सब चला गया तो मैं अपने कमरे से कैसे जाऊँ? मैं बिना कपड़ों के नहीं जा सकती। वहाँ टॉयलेट पेपर है, कम से कम ये अच्छा है। लेकिन दुष्ट रूममेट कपड़े चुरा नहीं सकी। उसने कमरे के नंबर्स भी बदल दिए। ये बहुत नीच है। शावर मम्मी शावर से बाहर आती है और अपने कमरे में भाग जाती है। हमारे कमरे का नंबर क्या है? उसके लिए बड़ा तोहफा इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है तुम अब लड़कों में से एक हो। ये बहुत शर्मनाक है। गर्म चाय, ये मजेदार किताब है। ये क्या है? आपकी रूममेट का बैग। हाँ बिल्कुल, ये है। पूरा कमरा उसके सामान से भरा हुआ है। खैर हनी, मैं तुम्हें आज सफाई सिखाऊंगी। मैं ये अंडरवेयर अपने भाई के लिए तोहफा लाई थी, लेकिन सब जायज है। अब अच्छी प्रैंक की बात आती है तो उन्हें उसके पर्स में रखो। आपकी रूममेट की शाम मजेदार होने वाली है, हालांकि उसे उसके बारे में अभी नहीं पता। ठीक है, थोड़ा परफ्यूम और मैं जा सकती हूँ। नहीं, ये सब गलत है। हनी, क्या तुम मेरे पर्स से मेरा मेकअप बैग निकाल सकते हो? क्या ये किसी तरीके का मजाक है? तुम्हारे पर्स में आदमियों का अंडरवेयर क्या कर रहा है? आप उसे कैसे समझाएंगे कि ये बस आपके रूममेट का किया हुआ प्रैंक है? ओह, वो कितना जलस है, उसने सुना भी नहीं। प्रैंक वॉर में कुछ भी चलता है। एक पुरानी सिद्ध की हुई स्ट्रैटेजी का समय है। लड़की को भटकाओ, किसी इंसान को पीठ के नीचे मारो और भाग जाओ। बिल्कुल क्लासी। और आपकी रूमी को इसका जवाब देना होगा। ओ नहीं, मैं खुद को कैसे समझाऊं? मैं उसके प्रैंक से थक गई हूँ। ठीक है, ये आ गया कर्मा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रैंक है जो मैं आजमा सकती हूँ। सच में ये प्यारा और बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। थोड़ी सुपर ग्लू और फोम पेपर का गोला ले। फोम पेपर को नलके पर चिपकाएं। ये पूरा दृश्य है, अब वो बुक कर सकती है। ये आ गई वो नलका खोलती है। क्या उन्होंने पानी बंद कर दिया? ये अजीब है। क्या होगा अगर मैं नलका पूरा खोल दूं? वाह, क्या शो स्टॉपर है। हनी सारी अलग जगहों से बाहर आया। ओ नहीं, मेरी शर्ट पूरी गीली हो गई। ये फिर से उसका प्रैंक है। मुझे बस अपना मुंह धोना था।
रूमी सो गई। ये समय की बात है, मैं पाउडर पेंट से प्रैंक कर सकती हूँ। उसके हाथ की हथेली में थोड़ा रंगीन पाउडर डालें और डालें, शर्माए नहीं, और स्लीपिंग ब्यूटी को गुदगुदी करें। उसने एकदम रिएक्ट किया, कितना उज्जवल लुक है, लेकिन वो खुश नहीं लग रही। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। क्या आपने कभी एक बेहुदा रूममेट के साथ अपना कमरा बांटा है, या शायद अपने कोई सिबलिंग के साथ? हमें इसके बारे में कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।